सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते सत श्री अकाल। हम पहुंच चुके हैं लंदन के हीथरो एयरपोर्ट पर। हमने जस्ट अभी अभी लैंड किया और अभी मैं वापस अपने कनेक्टिंग फ्लाइट के सिक्योरिटी एरिया में जा रही हूँ, जहाँ से मेरी नेक्स्ट फ्लाइट होगी। सो 10 घंटे की जर्नी थी, 10 घंटे की जर्नी काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज़ जो मेरे फेलो पैसेंजर्स थे वो पंजाबी थे और काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे अंकल आंटी थे। वो लोग लंदन अपने बेटे से मिलने आए हुए हैं, तो वो लोग तो यहीं तक थे अभी, बस वो लोगों ने व्हीलचेयर लिया और वो अराइवल चले गए और मैं अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट के साइड में जा रही हूँ। सो दिस इज़ लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट। फिलहाल हम बस वेट कर रहे हैं, हमारा बोर्डिंग गेट मेरे साथ पोपट हो गया। बोर्डिंग गेट फ्लाइट नंबर, एक्चुअली इंडिया में क्या होता है कि एक नंबर का डिफरेंस होता है, लाइक 6-7 अगर फ्लाइट इनकमिंग फ्लाइट है तो 6-8 आउटगोइंग फ्लाइट होती है, या 6-8 इनकमिंग है तो 6-7 या 6-9 आउटगोइंग होती है। तो मुझे, मैंने ऐसे बोर्ड पे देखा डिस्प्ले पे, तो मुझे लगा कि ये सेम फ्लाइट है जिससे मुझे जाना है, तो मैं उसका बोर्डिंग गेट नंबर चेक किया और मैं चली गई वहाँ पर। बाद में पता चला कि वो फ्लाइट दूसरी है, मेरी फ्लाइट दूसरी होगी। फिर वापस मुझे बोर्डिंग गेट से डिपार्चर लॉन्ज एरिया में आना पड़ा वेट करने के लिए। तो मेरा जो बोर्डिंग गेट नंबर है वो आई थिंक 11:20 पर अपडेट होगा और राइट नाउ यहाँ पे 11:05 हो रहा है। तो मैं बस बैठ के वेट कर रही हूँ, एक बार बोर्डिंग गेट अपडेट हो जाए सो वापस मैं जाऊँगी बोर्डिंग गेट पे। 11:20 के अराउंड पे सेम बोर्डिंग टाइम भी सेम ही होगा, बिकॉज फ्लाइट का जो डिपार्चर है वो 12:20 का है। बस 10 मिनट्स मे बी और वेट करेंगे फिर जाएंगे। और अभी मैं बैठी हूँ यहाँ का वेटिंग एरिया है डिपार्चर। बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, बोर्डिंग गेट नंबर सबसे अलग सी चीज़ है। 11:20 का बोर्डिंग स्टार्ट और 11:20 पर ये लोग वो जो गेट अपडेट होता है डिस्प्ले पर वो करते हैं। अभी मैं जस्ट भाग भाग के पहुँची हूँ, ये देखिए बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बोर्ड। इमिग्रेशन हो गया, इमिग्रेशन की लाइन में एटलीस्ट 2 ढाई घंटे लगे इमिग्रेशन क्लियर कराने में। देन मैं जब भी अभी अराइवल हॉल में आई तो यहाँ पर
जो पिकअप करने के लिए हमें आते हैं होटल से लोग, वो नहीं मिल रहे थे। फिर मैं बैग लेके इधर उधर भागी, फिर तो अभी जस्ट वो बंदा मिला। अभी वो किसी एक और स्टाफ का वेट कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। अभी भी मैं एयरपोर्ट पर ही हूँ, थोड़ा टाइम लग जाएगा अभी, और मे बी एयरपोर्ट से होटल का जो टाइम है वो भी 1 घंटे लग जाएंगे जाने में। तो देखते हैं, बहुत ही थक गई हूँ, मुझे शावर लेना। हेलो एवरीवन, हम होटल आ गए थे। होटल आने के बाद फिर हमने जो भी चेक इन वगैरह किया, उसके बाद अभी जस्ट शावर लिया। और हमारा जो डिनर का इनका टाइम होता है होटल का ना, वो जो होता है वो है 10 तक। 10 के बाद फिर ये लोग डिनर नहीं प्रोवाइड करते। बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आई थी तो इन्होंने मेरे को 11 हो गया था हमें आते आते, सो हमें डिनर मिला नहीं था। फिर नेक्स्ट डे शिप पे जाने के बाद ही हमने खाना खाया था। सो मैं अभी आई हूँ, जल्दी जल्दी जस्ट फिनिश किया मैंने, शावर वगैरह लिया, सेटल डाउन हुए, और मैं बस अभी जा रही हूँ, डिनर करेंगे। देन मैं आपको अपने रूम का व्यू भी दिखाऊंगी, रूम को भी दिखाऊंगी कैसा रूम है, क्या है। मेरी एक रूममेट है जो कि साइबेरिया से, रशिया से है। सी इज कमिंग फ्रॉम साइबेरिया एक्चुअली। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट, हमें जिस कंट्री के बारे में हमने बस सुना होता है, वहाँ के लोगों के साथ हमें काम करने का मौका मिलता है, वहाँ के लोगों से हमें मिलने का मौका मिलता है। सो इट्स गुड। सो अभी हम जा रहे हैं नीचे डिनर करने के लिए, फिर मिलते हैं वहाँ से। सो गाइज, मैं ऑफिस से आ गई थी। ऑफिस से आने के बाद मैंने चेंज वगैरह कर लिया है, और अभी रितिका बोल रही है थोड़ा मार्केट जाना है, तो उनके साथ मैं मार्केट जाऊंगी, और फिर आ कर के हम अपना कुछ खाना वाना बनाएंगे, फिर खाएंगे और सो जाएंगे, क्योंकि नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। मैं ऑफिस से आके ऑलरेडी सो चुकी हूँ, सोकर उठी हूँ जस्ट अभी, और रितिका ने कहा मार्केट चलने को। सो अभी हम दोनों मार्केट जा रहे हैं, देखते क्या लेती हैं मार्केट से। अगर मुझे कुछ पसंद आया तो मैं भी ले लूँगी मार्केट से, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं हम, मिलते हैं आपसे। सो गाइस, रितिका और हम निकल रहे हैं, बस जैसे मैंने बताया अभी मार्केट जा रहे हैं, और रितिका कुछ सामान लेना है। जैसे ऑफिस से आई है वो कहा कि कुछ लेना है तो चलते हैं मार्केट, और मैं रेडी। सो मार्केट आ गए थे, और रितिका को मार्केट से जैकेट लेना था क्योंकि वो घर जाएंगी, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से जैकेट लिया। और उसके बाद हम कुछ और सामान भी हमने लिया, और फिर हम घर आ गए। सो गाइस, फाइनली हम घर रूम में आ गए हैं, और रितिका को जैकेट वगैरह लेना था, वो जैकेट ले लिया उन्होंने, और थोड़ा सा अच्छा लगा बाहर जा कर के साथ में रितिका के बहुत दिन के बाद में। सो रितिका, यही चाहिए था ना? हाँ। सो रितिका, हेलो, से मिलते कल। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल विच इज प्रीशाज ब्लॉग। खुश रहिए, दूसरों खुश रखिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।